बागी कांग्रेस नेता जगदीप कंबोज गोल्डी ने आजाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करके जलालाबाद में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद गोल्डी कंबोज ने कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला। गोल्डी कंबोज के बाद कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा भी जलालाबाद में बगावत का झंडा बुलंद करने के कयास लगाए जा रहे हैं। अकाली दल ने भी जलालाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए। अकाली दल ने राय सिख बिरादरी के डॉक्टर राज सिंह डिब्बीपुरा को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, आज हम जलालाबाद उपचुनाव की चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जलालाबाद विधानसभा की राजनीति के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। कांग्रेस की ओर से जलालाबाद से रविंदर आमला को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इस्तीफा देने वाले जगदीप कंबोज गोल्डी ने शुक्रवार को आजाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। गोल्डी कंबोज ने जलालाबाद के हरकिशन रिजोर्ट में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में समर्थकों से सलाह के बाद आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। गोल्डी कंबोज अपने समर्थकों के साथ एसडीएम केशव गोयल के दफ्तर पहुंचे और नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। गोल्डी कंबोज की पत्नी साबिया कंबोज ने कवरिंग उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। पत्रकारों से बात करते हुए गोल्डी कंबोज ने कहा कि वह पिछले 12 सालों से जलालाबाद में काम कर रहा है। रविंदर आमला को आउटसाइडर बताते हुए गोल्डी कंबोज ने कहा कि जलालाबाद के 1% वोटर भी उसे नहीं जानते हैं। गोल्डी कंबोज ने 2017 में भी जलालाबाद विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन उस समय पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतार दिया था। गोल्डी कंबोज के पर्चा दाखिल करने के बाद हंसराज जोशन, सुखविंदर सिंह काका और मलकीत सिंह हीरा की ओर से भी बगावत का झंडा बुलंद करने को उम्मीद बढ़ गई है। इधर अकाली दल ने डॉक्टर राज सिंह डिब्बीपुरा को जलालाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। डॉक्टर राज सिंह राय सिख बिरादरी से संबंध रखते हैं। जलालाबाद में राय सिख बिरादरी का बड़ा वोट बैंक है। शेर सिंह घुभाया भी राय सिख बिरादरी से ही संबंध रखते हैं और अपनी बिरादरी के दम पर ही 25 साल तक सत्ता में भागीदार बने रहे थे। राज सिंह ने हाल ही में एससी कमीशन के उप चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से ही राज सिंह को जलालाबाद से उम्मीदवार बनाने की चर्चा शुरू हो गई थी। अकाली दल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि एक मुकदमे के कारण राज सिंह की टिकट की घोषणा में देरी हो रही थी। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में अरोड़ा कंबोज और राय सिख बिरादरी के मतदाता बहुगिनती में हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार रविंदर आंवला अरोड़ा बिरादरी से संबंध रखते हैं। कंबोज बिरादरी के जगदीप कंबोज गोल्डी आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। ऐसे में अकाली दल ने राय सिख बिरादरी के डॉक्टर राज सिंह डिब्बीपुरा को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोस्तों, पंजाब विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हर एक खबर हम आपको देते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।